नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एवी इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज हम मिनी इन्वर्टर सर्किट बनाना सीखेंगे जो कि 4 वोल्ट बैटरी में रन करेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक ट्रांसफार्मर जो कि एक मोबाइल चार्जर सर्किट से आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास ये लोकल मोबाइल चार्जर सर्किट नहीं है तो आप इसे मार्केट से परचेस कर सकते हैं, जो कि 20-22 रुपए में पड़ता है। ठीक है, उसमें से आपको सिर्फ ये ट्रांसफार्मर निकाल लेना है। आप देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर है। सिर्फ 3 ही चीज़ों से हमें ये सर्किट बनाना है, और दूसरा आपको लेना है एक D882 ट्रांजिस्टर, जो आपको नंबर दिखा देता हूँ, D882 ट्रांजिस्टर है, और यहाँ पे एक 33 ओम्स हाफ वाट का रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए सर्किट को बनाने से पहले ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग्स है उसका जो है हम चेक करते हैं रेजिस्टेंस मल्टीमीटर में। मल्टीमीटर को 200 ओम्स के रेंज पे सेट कर लें, उसके बाद हम ट्रांसफार्मर के रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। ठीक है, पहले ये दो पॉइंट्स को चेक करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू शो कर रहा है 5.1, 4.7, और फिर इन दोनों को चेक करेंगे। उसके बाद इन दोनों को चेक करेंगे 11.3। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जिसका होगा, जिस वाइंडिंग का, तो उसी को हम आउटपुट के लिए यूज़ करेंगे। जैसा कि ये दोनों है 11.3 आ रहा था रेजिस्टेंस इसका। तो चलिए मल्टीमीटर को साइड पर रख लेते हैं, कनेक्शन शुरू करते हैं। ये दोनों पॉइंट हमारा जो है आउटपुट के लिए रहेगा। तो चलिए कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस को 33 ओम्स को ट्रांसफार्मर को इस तरह से आपको पकड़ना है, और इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर आपको सोल्ड कर देना है इन दोनों पॉइंट्स पे। ठीक है, तो मैं आपको सोल्ड करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इसको लगा लिया है 33 ओम्स का रेजिस्टेंस, हाफ वाट में आपको लेना है। उसके बाद ट्रांजिस्टर का मिडिल वाला पॉइंट आपको ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट के साथ आपको कनेक्ट कर लेना है। ये एक NPN ट्रांजिस्टर है दोस्तों। ठीक है, ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट को आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। तो ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट के साथ आपको ट्रांजिस्टर का मिडिल पॉइंट यानी कि कलेक्टर पॉइंट आपको सोल्डर कर देना है। दोस्तों आपका ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है हमारा ये आपका ट्रांजिस्टर हो गया D882, आपको इस साइड से पकड़ना है जहाँ पर आपका जो है नंबरिंग हुआ है उसी साइड से आपको पकड़ना है। तो पहला वाला लेग जो है आपका एमिटर हो गया, फिर आपका कलेक्टर, और थर्ड नंबर पे आपका बेस। एमिटर, कलेक्टर, बेस, तो ये है आपका पिन नंबर 1, ये है आपका 2, थर्ड नंबर पे आपका बेस। ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने इसका जो कलेक्टर पॉइंट है ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट के साथ मैंने इसको शोल्डर कर दिया है। अभी एक जम्पर वायर लेंगे हम इस तरीके का। ठीक है, और ट्रांसफार्मर का जो ये पॉइंट है यहाँ से इसको शोल्डर करेंगे।
इस पॉइंट के साथ और इसको सोल्डर कर देंगे जो ट्रांजिस्टर का जो बेस पॉइंट है उसके साथ। ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट पे हम इसको सोल्डर कर देंगे। ठीक है, ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ ये सोल्डर हो गया है। अब हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो चुका है। हमें आउटपुट कनेक्शन जो है आउटपुट के वायर्स कनेक्ट कर देने हैं। आउटपुट के वायर्स जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये दोनों पॉइंट्स ट्रांसफार्मर के आउटपुट में होंगे जहाँ पे हमारा एसी आउटपुट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आउटपुट वायर्स कनेक्ट करने हैं। आप चाहें तो यहाँ पे होल्डर भी लगा सकते हैं टेस्टिंग के लिए। तो ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक एलईडी को कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये एलईडी बल्ब है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डीओ भी लगा हुआ है। ठीक है, लाइव न्यूट्रल। मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली इसके पीछे है सोल्डर कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो होल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली एलईडी पे सोल्डर कर दे रहा हूँ। मैंने इसको सोल्डर कर दिया है पीछे से, आप देख सकते हैं। अब जो है हम बैटरी से इसको पावर सप्लाई देंगे। तो मैं यहाँ पे 4 वोल्ट 1 एम्पेयर का बैटरी ले रहा हूँ। आप 1.5 से 4 वोल्ट तक कोई भी जो है सप्लाई यूज़ कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। तो चलिए सप्लाई आपको कहाँ कहाँ देना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 33 ओम्स जो ट्रांसफार्मर में यहाँ कनेक्ट हुआ है इस पॉइंट के साथ, यहाँ पर आपको पॉजिटिव सप्लाई देना है और ट्रांजिस्टर के इस पॉइंट के साथ आपको पॉजिटिव जो नेगेटिव सप्लाई है वो दे देना है ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम नेगेटिव सप्लाई को कनेक्ट करते हैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट के साथ, और यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव सप्लाई को। तो आप ध्यान रखिएगा लाइट अभी कैसे जलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई को कनेक्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, इन्वर्टर बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, हमारा एलईडी जो है वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं लगाते ही इसको आपको 33 ओम्स जहाँ कनेक्ट हुआ है ट्रांसफार्मर पे, इस पॉइंट के साथ आपको पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट करना है। देख सकते हैं बिल्कुल एलईडी जो है बढ़िया ग्लो कर रहा है और हमारा इन्वर्टर सर्किट बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा सर्किट है दोस्तों, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और आप इससे एक अच्छा खासा मोबाइल जो है चार्ज कर पाएंगे अगर आपका करंट घर पे नहीं है तो, और एक एलईडी भी आप इसमें जला पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा जो है प्रोजेक्ट है, आप इसको बनाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।